यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो जैसा कि हम खेल रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल, और आज के वीडियो में बहुत कुछ करने वाले हैं हम। तो यार अभी फ़िलहाल तो मैं गन पाउडर बना रहा हूँ, लेकिन अभी बाद में हम आगे की तैयारी भी करेंगे। बाकी अब फ़िलहाल मुझे राइफ़ल बर्नल भी चाहिए, लेकिन राइफ़ल बर्नल मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मैंने काफ़ी जगह सर्वाइव किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे राइफ़ल बर्नल नहीं मिला। जैसे कि मैं बैंडिट कैंप गया और इसके अलावा मिलिट्री बेस गया, लेकिन वहाँ पे मुझे राइफ़ल बर्नल नहीं मिला। इसके अलावा मैंने ऑयल ड्रम तोड़े, लेकिन फिर भी मुझे राइफ़ल बर्नल नहीं मिला। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें अभी हम बना नहीं पाएंगे। कुल मिला के राइफ़ल बर्नल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इस बार ये जाने क्यों नहीं मिल रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार ये मुझे मिल गया था पिछले सर्वर में, लेकिन इस बार के सर्वर में मुझे एक बार भी नहीं मिला। जबकि SMG बर्नल मुझे पाँच पाँच मिल चुके हैं। खैर इसको छोड़ते हैं और अब बाकी और बात करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं सिरिंज की रेसिपी बना लेता हूँ यार। उसके लिए जो मटेरियल की ज़रूरत है वो ले चलते हैं अभी। दोस्तों मेरे लार्ज स्टोरेज में जो आप ये इतना सामान देख रहे हैं, ये सारा सामान सिर्फ मैंने 2 दिन में इकट्ठा किया है। मतलब मैंने दिन रात रात को 3 बजे तक गेम खेला और ये इतना सामान इकट्ठा किया है। लेकिन ये मैंने किया था राइफल बर्नल के लिए, लेकिन वो तो नहीं मिला। हाँ ये बाकी सामान जरूर मिल गया, मतलब कि राइफल बर्नल के लिए मैंने काफी सर्वाइव किया। तो स्प्रे हमने निकाल ली है, अब हम चलते हैं सीधा रेसिपी बनाने के लिए। तो यार अभी फ़िलहाल हम सिरिंज लाना भूल गए, तो अभी इसमें सिरिंज की भी ज़रूरत है स्प्रे के साथ साथ। तो स्प्रे के साथ हमें सिरिंज भी लानी होगी। तो सिरिंज हमारे पास है अभी, वो मुझे ऑयल ड्रम में ही मिली थी। जब मैंने लगभग कोई 500 ऑयल ड्रम तोड़े थे तब मुझे मिली थी ये। और लगभग 500 ड्रम तोड़ने के चक्कर में मैंने इस गेम के पूरे मैप का चक्कर लगा दिया। मतलब काफी सड़कों पे घूमा मैं और ये इतने ड्रम तोड़े मैंने। तो अब हमने ड्राफ्ट प्लान में सिरिंज और स्प्रे डाल दिया है और अब हमारे पास रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों हमारे पास रेसिपी तो तैयार हो चुकी है सिरिंज की, अब उसे यूज़ करते हैं। अब यार सबसे पहले हम एक सिरिंज बना के देखते हैं। तो लॉक हट चुका है सिरिंज पर से, यानी कि अब हाँ ये हमारे पास बन सकती है। तो यार बैग में अभी तक सिरिंज आई नहीं है और हमने एक सिरिंज बनाई थी, तो ये क्या चक्कर होगा, हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। हाँ तो अब आएगी, मतलब कि तुरंत ये रेसिपी काम नहीं की, तो अब आएगी ये सिरिंज, अब बन चुकी है हमारे पास। तो ये तो हमने बना ली, अब हमारे पास वेंडिंग मशीन ओपन हो चुकी है, तो वेंडिंग मशीन भी हम बनाएंगे। अब हमें वेंडिंग मशीन बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हम लेकर आते हैं अंदर से कैबिनेट रूम में से।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने घर को भी अपग्रेड कर दिया है, मतलब कि आयरन बार से अपने कैबिनेट रूम को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है, और बाहर के दरवाजे भी मैंने अपग्रेड किए हैं काफ़ी। जितना मेरा आयरन बार मेरे पास था वो तो मैंने सारा लगाया। तो दोस्तों मुझे सामान तो बहुत सारा मिला, लेकिन एक सिर्फ राइफल बर्नल नहीं मिला। ये जाने ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ वो ही क्यों नहीं मिला? अगर वो मिल जाता तो हम और भी काफ़ी चीज़ बना सकते थे। तो अभी हमें स्टील बार और लगेज स्टोरेज चाहिए 4, उसके बाद हम वेंडिंग मशीन बना सकते हैं। अब यार पहले तो हमें लार्ज स्टोरेज चाहिए 4, तो उसके लिए वुड और आयरन बार चाहिए। तो वुड तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में कैबिनेट में रखी हुई है, तो कैबिनेट में से हम वुड ले लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो फिर बाहर से कलेक्ट करके और वापस कैबिनेट में डाल देंगे। तो हमने अब लार्ज स्टोरेज बना लिए है, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ कैबिनेट रूम में अंदर, और कैबिनेट में से मुझे चाहिए स्टील बार। यार कैबिनेट में से हम स्टील बार ले लेते हैं, जितनी ज़रूरत है 50 चाहिए हमें तो 50 ले लेते हैं। 162 स्टील बार हमारे पास अवेलेबल है अभी कैबिनेट में। तो दोस्तों अभी हमारा बैग फुल हो चुका है, तो बैग में से कुछ सामान हमें निकालना होगा। तो थोड़ा बहुत सामान अभी हम इसमें ही रख देते। तो दोस्तों थोड़ा बहुत बैग तो हमने खाली कर दिया है, अब हम कैबिनेट में से स्टील बार ले लेते हैं। हमारे पास अवेलेबल कितनी पहले देख लेते हैं एक बार। 162 स्टील बार अवेलेबल है हमारे पास। अब इसमें से हम 100 तो वापस कैबिनेट में रख देते हैं, और 62 स्टील बार वाप लेकर चलते हैं। तो अब हमें चलना है एड वर्क बेंच पर। तो वेंडिंग मशीन बनाने के लिए हमारे पास पूरा सामान अवेलेबल है, तो क्राफ्ट कर देते हैं इस पे, यानी कि इसको बना देते हैं एक। इसको बहुत प्यास लगी अभी, तो फिलहाल इसको थोड़ा पानी पिला देते हैं। तो अभी वेंडिंग मशीन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यार हमारे पास अभी हमने जो सिरिंज बनाई थी उस सिरिंज को काम में लेते हैं और इसकी हेल्थ बढ़ाते हैं, एक सिरिंज लगाते हैं। तो बैंडेज के मुकाबले सिरिंज ज़्यादा सही रही, क्योंकि बैंडेज से 10% ही हेल्थ बढ़ती है और सिरिंज से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बढ़ चुकी है, आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस लार्ज स्टोरेज में मैं इसके खाने पीने के सारे सामान रखता हूँ। तो मेरे पास अभी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है, तो इसको खाना खिला देते हैं क्योंकि इसको भूख लगी है अभी बहुत ज़्यादा। तो बैग में हमने जितना खाना लिया वो खाना पूरा तो हमने इसको खिला दिया है। और जो वेंडिंग मशीन तैयार हुई थी उसको मैंने घर के अंदर लगा दिया, लेकिन घर के अंदर लगाने में मैंने सोचा था कि ये कुछ अलग चीज़ होगी, लेकिन ये निकली कि सेल करने वाली, जैसे कि हमारे पास जो भी सामान हो उसको हम सेल कर सकते हैं। अब मैंने इसको लगा दिया घर के अंदर, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि इसको मैंने घर के अंदर लगा दिया, बाहर लगाने में हमें काफ़ी मुश्किल आएगी घर से बाहर ले जाने में। खैर कोई बात नहीं, हम इसको बाद में बाहर लगा देंगे। अब मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि ये कुछ गाड़ी वाड़ी कार वार बनाने या बाइक बनाने में काम आती होगी, लेकिन ये निकली कुछ अलग, क्योंकि यार इस सर्वर में हमने ये बनाई है पहली बार, तो इसलिए हमें पता भी नहीं था और ना ही किसी से जानकारी ली इस बारे में, तो ऐसा तो होना ही था। तो अब मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।